Thank you. Please. Cheers. Cheers. Roshan, तुझे क्या लगता है? सच कहूं? Of course. तेरा ये पेपर चलने वाला नहीं. What do you mean चलने वाला नहीं? तुझे पता है कितना पैसा लगाया मैंने इसमें? 4 साल की कड़ी मेहनत है इसमें. उससे क्या फर्क पड़ता है? देख, पेपर चलाने के लिए गर्मा गर्म न्यूज चाहिए. I mean सनसनी केस खबरें चाहिए. बनाओ क्या? हाँ, जरूरत पड़े तो बनाओ. ये मुझसे नहीं होगा. तो ठीक है, फिर अपना प्रेस बेच दो, क्योंकि तुम्हारा ये अखबार कोई खरीदने वाला नहीं है. एक्सक्यूज मी मिस्टर रोशन, उधर देखिए, वो शख्स मेरा अखबार पढ़ रहा है. एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी जी, आप ये अखबार रोज पढ़ते हैं? क्यों? दरअसल ये अखबार मैं निकालता हूँ. मेरा नाम अनिरुद्ध देव है, डेलाइट का एडिटर और पब्लिशर. मैं वसीत. प्लीज, आपकी बातें मैं सुन रहा था मिस्टर अनिरुद्ध देव. आपका दोस्त सही कहता है, इसी तरह इस अखबार में खबरें छपती रही तो मुझे लगता है इसे मेरे सिवा कोई और नहीं खरीदेगा. Really? तो आप बता सकते हैं कि आप ये अखबार क्यों खरीदते हैं? लोगों की मदद करना मेरी आदत है, और जहां तक मैं समझता हूं आपका ये अखबार खरीद कर मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूं. 2 रुपीज पर डे, 60 रुपीज. आप मेरी इतनी ही मदद करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्यों नहीं बताते कि वो मेरा अखबार खरीदें? आप उन्हें क्यों नहीं बताते कि मैं अखबार में सनसनीखेज झूठी खबरें नहीं छापता हूं, मैं सच्ची बातें लिखता हूं, सेंसिबल चीजें लिखता हूं. सच्चाई से इतना डरते क्यों हैं आप लोग? अनिरुद्ध, हाँ, क्यों डरते? बताइए क्या कर रहा है तू ये? I'm sorry. मुझे अपने हमदर्दी समझो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर अनुदेव. मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका अखबार चल निकलेगा. कहते हैं मेरी जुबान काली है, पर कुछ लोगों के लिए भाग्यशाली साबित हुई है. हाँ, बेस्ट ऑफ लक.